अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 करनी है। इसमें है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए उसकी मदद से हमने ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँगी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि होता क्या है ये। ठीक है, अब जैसे ये दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac/2a। ठीक है, जो ये है इस फार्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी मदद से हमने ये जो जितनी भी इक्वेशंस हैं इसको हमने सॉल्व किया। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है 2 − x² = 7x, ठीक है, इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है देखें। पहले हमने इस जो इक्वेशन है उसको डिग्री की उसकी मदद से उसको अरेंज करते हैं। हाईएस्ट डिग्री x², फिर x वाली, फिर जीरोस की जो वैल्यू होगी डिग्री की, वेरिएबल की। अब हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अब इसको अरेंज हम लोग किस तरह करेंगे कि सबसे पहले जो है हम इसको लिखेंगे 7x = 2 − x². क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हमारे पास जो है पहला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो उसकी जो साइन है वो पॉजिटिव में आना चाहिए या नेगेटिव में। तो मैं इसको इस तरह अरेंज कर लूँ कि ताकि इसको जब इस साइड पे लाऊं तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव में हो जाए। अब सबसे पहले यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 − x² है, तो ये खाली x². ठीक है, फिर प्लस 7x, इसको हमने इसकी पोजीशन चेंज नहीं की इसलिए यहीं रहेगा। यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हो जाएगा −2 = 0। ठीक है, अब हमने इसमें से x, a, b एंड c की वैल्यू लिखनी है क्योंकि फार्मूले में जो है मैंने जैसे आपको दिखाया था a, b, c की वैल्यू हमें ज़रूरत होगी। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, a की वैल्यू यहाँ कॉन्स्टेंट कोई भी नहीं है, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 7 और c की वैल्यू हो गई −2। ठीक है, अब हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे कि मैंने आपको भी बताया था क्या होता है, x = −b + −b² √। ठीक है, −4ac और डिवाइडेड बाय 2a। अब ये जो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है इसमें हम ये वाली वैल्यूज़ जो है ये हम पुट करेंगे। ठीक है, x = b की वैल्यू 7 है, माइनस इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग है, तो −7 + −b². अब बी स्क्वायर क्या है 7² −4, a क्या है 1, c क्या है −2/2a, a की जगह a की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। −7 as it is + −7 × 7 = 49, −−+, ठीक है, −−, क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 2 = 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 1 = 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब 49 + 8 करेंगे हम लोग, −7 + −49, 49 और 8 स्टूडेंट्स होता है 57 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। हमने इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व करना था तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको कुछ एक आध और करके दिखा देती हूँ। बाकी का इनका मेथड सबका सेम है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ।